में पहली मर्तबा इसराइल का फ्लैग, इसराइल का परचम, इसराइल का झंडा यूएई के रेजिडेंशियल पैलेस सदारती महल में लहरा दिया गया। इसराइली फ्लैग पेंट अप, और ये एक सेरेमनी में हुआ। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि वहाँ पर उनका नेशनल एंथम भी बजाया गया, नेशनल एंथम भी लगाया गया वहाँ पर उनका, कौमी तराना इसराइल का। और इसकी डिटेल्स आपको बताती हूँ कि वहाँ पर इसराइल के अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर, और वो एम्बेसडर एक ऑफिशियल सेरेमनी में उनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आप जानते हैं गॉड ऑफ ऑनर की जो सेरेमनी होती है उसमें परचम भी लहराया जाता है, झंडा लगाया जाता है, तो वही सेरेमनी हुई और उसमें इसराइल के एम्बेसडर को गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया, इसराइल का परचम वहाँ पर लहराया गया। और इसके ऊपर उसके बाद उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट भी शो की और सोशल मीडिया पर इसके हवाले से लिखा भी। क्या लिखा मैं आपको बताती हूँ। यूएई अमीर हाइक सेड द इसराइली एंथम इज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द प्रेजिडेंशियल पैलेस इन अबू धाबी, द इसराइली फ्लैग इज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट पैलेस, हाउ एक्साइटिंग एंड हिस्टोरिक। ये बात का ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि ऐसा सोचना मुश्किल था, इसकी एक्सपेक्टेशंस कम थी ना, इसके बावजूद कि इसराइल और यूएई के रिलेशंस कायम हो चुके हैं 2020 में ऐसा हुआ है, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था और बहुत सारे उसके ऊपर जो हैं फिर इवेंट्स हुए थे उस दौरान। उसके बाद जब रिलेशंस कायम हो गए थे तो जो इसराइल के खुफिया एजेंसी के जो चीफ हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे मोसाद के, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ये होना इसलिए मुश्किल था कि यूएई के ज़ाहिर आइडियोलॉजी उनकी अपनी अलग, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल था, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं हो सकती थी। लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ी खबर है ये। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने ये भी सर्च करने की कोशिश की इसमें कि अच्छा क्या वाकई ये फ़र्स्ट टाइम है, इसको हम इसी तरह लेंगे। तो इसमें ये याद रखिएगा कि 2003 में इससे पहले भी इसराइली परचम एक वहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग थी UAE में, और उस दौरान काफ़ी कंट्रीज़ के वहाँ पर फ्लैग्स जो हैं वो मीडिया सेंटर और मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं हुआ था। और जाहिर है कि वो तो आप फ्लैग जो है वो एक कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं, कहीं पर भी जो है वो लगा सकते हैं किसी का, वो और बात थी, लेकिन उस वक्त ये हुआ था। और उस वक्त UAE के ऑफिशल्स की जानिब से ये कहा गया था, The invitations were extended by the World Bank and not the UAE. Here are the awkward times. ये 2003 में उन्होंने कहा था उनकी तरफ से, जब उनसे ज़ाहिर उनके ऊपर तनकीद हुई होगी, क्रिटिसाइज़ किया गया होगा। इसकी वजह यह है कि अभी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रिया में भी कोई इसराइली फ्लैग जो है वो जब लगाया गया तो उसके ऊपर टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया और उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि ये क्यों किया। तो उसके ऊपर जाहिर है कि जब आप किसी के आपको होता है कि अब तो भाई ये हमारे ऊपर ये वाला बैकलैश आएगा, एक जो मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर है आप जानते हैं ना, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो ये सोचते हैं इसराइल के मुतालिक जो भी, तो उसके हवाले से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि एक थर्ड कंट्री जो है वो किसी कंट्री को कैसे कह सकता है कि तुमने ये काम क्यों किया। भाई अगर UAE ने या किसी ने भी किया है तो उनकी मर्ज़ी, वो ये समझते हैं कि उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा तो होता है। और तैयब एर्दोगान तो आप जानती हैं कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की कोशिश करते हैं और इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। एनीवेज, ये जो है इसके मुतालिक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके बाद, यानी ये जो सेरेमनी है इसके बाद एक और काम भी हुआ, एक और सेरेमनी भी हुई, और वो इसका क्रक्स है, वो मेन पॉइंट है, और वो ये है कि वहाँ पर इसराइल की जो असलहा साज कंपनी है उसका इफ्तिताह किया गया, यानी कि जो वेपन्स बनाने वाली कंपनी है इसराइल की उसकी इनॉग्रेशन वहाँ पर की गई। तो आप जानते ही हैं कि अब जो बेसिक मकसद होता है कंट्रीज़ का आपस में वो क्या होता है कि जी ट्रेड शुरू हो, मुआहदे हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, हम फ़ायदा उठाएं एक दूसरे के उससे, टूरिज़म हो। तो इसी तरीके से ये तो अब जाहिर है कि UAE का बहुत बड़ा असलाह जाहिर है वो ख़रीदेगा इसराइल से, ये तो बात है। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान हुई, दिलचस्प बात यह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एलिमेंट ये है कि इन दोनों की मुलाकात इससे पहले कोई 1 decade before हुई थी, यानी 10 साल पहले हुई थी, और उस वक्त ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स थे। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त इनकी कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में किसी मुल्क में मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त जो है वो दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद अब ये मीटिंग हो रही है, ये मुलाकात हो रही है, और वाकई ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी कि ये मुश्किल था ज़रा कि दोनों कंट्रीज़ इस वक्त एक दूसरे के जिस तरीके से राइवल्स बने हुए हैं
और ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से जो है वो एक कंसर्न शो किए जाते हैं चीन में होने वाली, चाइना में होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पर, तो उसके बाद और फिर और बहुत कुछ होता रहा जिसके ऊपर हम प्रोग्राम्स भी करते रहे। तो उन इवेंट्स के बाद ये सोचा नहीं जा रहा था कि अच्छा दोनों में मुलाकात बेशक ऑनलाइन मीटिंग ही होगी, लेकिन हुई और 3 घंटे तक जारी रही और हर तरह के टॉपिक पर बात हुई है। और कहा जा रहा है कि ये एक कैजुअल मीटिंग थी जिसमें बहुत हंसी मजाक की बात भी हुई समटाइम, बड़ी मतलब ये कि बड़ी फ्री टॉक भी हुई और दोनों तरफ से उनकी टीम्स के मेंबरान उसमें मौजूद रहे, दोनों के फ्लैग्स लगाए गए दोनों तरफ और ये एक बड़ी एक अच्छी मीटिंग या मुलाकात इसलिए कही जा रही है कि इसमें जहाँ गर्मा गर्म गुफ्तगू भी हुई, बहुत हॉट टॉपिक्स पे भी डिबेट हुई, वहीं पर कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि बहुत अहम हैं दुनिया के, जिस तरह की मैं आपको बताई देती हूँ, नॉर्थ कोरिया है, अफ़गानिस्तान, ईरान, एनर्जी, ट्रेड और एनवायरनमेंट, मिलिट्री इश्यूज और फिर पैंडमिक्स, और इन सब मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन इस मीटिंग में प्रेजिडेंट जो बाइडन ने प्रेजिडेंट शी को वार्निंग दी, वहीं पर प्रेजिडेंट शी ने भी वार्न किया, और वो क्या बात है वो मैं आपको बताई देती हूँ। प्रेजिडेंट शी की तरफ से जब ये बात कही गई कि हम ये समझते हैं कि फ्यू पीपल इन US वॉन्ट टू कंट्रोल चाइना थ्रू ताइवान, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ डेंजरस बिहेवियर, यानी ये इस तरह का जो है ये हम समझते हैं कि बड़ी ख़तरनाक सोच है ये, और अगर ऐसा कुछ किया गया तो जो एक ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि जो फिर मतलब अल्टीमेट होंगे। के ऊपर प्रेजिडेंट जो बाइडन ने उनको जो जवाब दिया वो भी किसी वार्निंग से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं आपकी सॉवरेनिटी, आपका जो भी है हम उस पर बिलीव करते हैं, वन चाइना पॉलिसी जो आप कहते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो रेड लाइन है क्रॉस ना हो तो आप ये याद रखिए कि वहाँ पर आपको इन्वेड नहीं करना चाहिए ताइवान में, फिर आपका इन्वेजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। यानी उन्होंने बिल्कुल उनके बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करते हुए उनको ये बता दिया कि ये सब कुछ उस सूरत में होगा अमेरिका की तरफ से, अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका चाइना को कंट्रोल करना चाहता है थ्रू ताइवान, तो आपको हम ये बताई देते हैं और आप साथ में ये कह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस ना हो उसकी फ्रीडम के लिए, ताइवान की फ्रीडम के लिए, तो फिर आप भी ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा कि जिसकी वजह से रेड लाइन क्रॉस करनी पड़े। इनडायरेक्टली उन्होंने उनको ये बात की, और सिर्फ यही नहीं, प्रेजिडेंट जो बाइडन ने चाइना में होने वाली जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर भी बात की है कि वहाँ पर जो है ये सब कुछ होता है और हम उसके ऊपर बड़े कंसर्न्स रखते हैं और उसको जो है वो ठीक होना चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से मसाइल हैं, जिसके ऊपर जाहिर है कि चाइना की तरफ से जो जवाब दिया जाता है कि हमारी अपनी एक सॉवरेनिटी, हमारे अपनी एक आज़ादी, और हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर जो है कोई भी बात कर, जो कि हमेशा वो हमेशा उस तरफ से ऐसा ही एक वो आता है पॉइंट। अब हम आते हैं आउटकम की तरफ दोनों खबरों की। अच्छा, पहले इस पर बात करते हैं कि इस मीटिंग के दौरान एक चीज़ जिसको मेक श्योर किया गया, बहुत अहम पॉइंट है, अमेरिका और चाइना की तरफ से ये मेक श्योर किया गया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इनको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं बननी चाहिए, इन चीज़ों पर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने मर्जी इश्यूज़ हों, हमारे बड़े बड़े मसाइल हों, ताइवान का मसला हो, कुछ और हो, हम लड़ मर रहे हों, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी ट्रेड को कंटिन्यू रहना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स को और एक्सपेंड करना चाहिए, हमारी इंपोर्ट्स को चलते रहना चाहिए और हमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा उठाना चाहिए।